हम गोल 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 बातें तो कर सकते हैं इसके ऊपर, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जिस तरह से राजनीति के अंदर ब्लैक मनी का रोल है, एक छोटा सा स्टेप हम ले सकते हैं कि अगर हर पॉलिटिकल पार्टी अपने सारे लिस्ट ऑफ डोनर्स को और एक्सपेंसेस को रेगुलरली हर महीने की पहली तारीख अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दे, ये तो कर सकते हैं, करना चाहिए, क्यों नहीं कर सकते? हम लोगों ने करना चालू किया है, आम आदमी पार्टी कर रहे हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, ऐसे होता है। Why can't all the other political parties put list of all the donors? चाहे 5 रुपए का डोनेशन है, let's not hide behind income tax. आपकी wants to respond. आप जो अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं. There are talks of election, there are things of how to change the election processes. In fact, in our own party, we have formed a committee to how we. Why don't you do it on a voluntarily basis? But we already have all political parties have to declare the all the donors. But the fact is that's only a part of the donors. The real bulk of where the money comes from is never declared. And that's the problem. Well, that's what you say, Rahul. You are in journalism. Why don't you catch them? You seem to be catching everybody. Catch them. If you think it's coming from so-and-so, it's very easy to say all this money is coming from known sources. Why should we need to catch them? Why don't you put it voluntarily? Why should Rahul need to catch them? Why don't you put it voluntarily? No, we catch them. We put it voluntarily, Arvind. Put it voluntarily. हमारे को इनकम टैक्स पे जाके दिखाना पड़ता है कि इतना पैसा आया और इतना खर्च हुआ। सर जी, इनकम टैक्स की रिटर्न को भी वेबसाइट पे डाल दीजिए। अरविंद, मनीष वांट्स टू मेक अ पॉइंट। मिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज बीन, इफ आई एम करेक्टली इन्फॉर्म, द मेंबर ऑफ द इंडियन रेवेन्यू सर्विस एंड ही पॉसिबली अंडरस्टैंड्स दैट पॉलिटिकल पार्टीज कंडक्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द लॉज व्हिच आर मेड बाय पार्लियामेंट। सम पीपल मे नॉट बिलीव in the laws which are made by Parliament, that's a different matter altogether. And under the Representation of People's Act, under the Income Tax Act, whatever statutory declarations have to be made, they are made by the Indian National Congress. And those are the statutory bodies which have been empowered by Parliament in order to exercise superintendence when it comes to accounts. So therefore, I think, you know, if we believe in democracy, we also should believe that rule of law is intrinsic to how democracy functions. Sir, बस एक छोटी सी चीज़ है। Sir, इसके पीछे मत छुपिए। Don't hide behind all this. I'm just one second. Let me just complete. Sir, कानून आप ही तो बनाते हैं सर। Go ahead. सर, कानून आप ही लोग बनाते हैं। Go ahead. Go ahead. आपने कानून बना दिया कि 20,000 से कम की डोनेशन को दिखाने की जरूरत नहीं है। और आप 20,000 सारी डोनेशंस को 20,000 से कम रखा जाता है और आपकी मेजॉरिटी मेजर पोर्शन जो है उसके नीचे है। आप लिस्ट ऑफ डोनर्स दिखाते नहीं है। सर, आप वॉलंटरीली कर दीजिए, कानून बदल दीजिए। आपकी सरकार है सर, आप कानून बदल सकते हैं। अगर ये कानून इस देश में ब्लैक मनी को जनरेशन में मदद कर रहा है, अगर ये इस देश के अंदर राजनीति को खराब कर रहा है, बदल दीजिए उस कानून को सर। देखिए, आपकी बात बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अगर इस देश में एक आम सहमति बनती है कि जो चुनाव से जुड़े हुए कानून हैं या जो आयकर से जुड़े हुए कानून हैं उनमें संशोधन करने की जरूरत है, उनमें बदलाव करने की जरूरत है, हम उस बदलाव का समर्थन करते हैं। सब लोग चाहते हैं कि कानून बदलने चाहिए। हम सब लोग चाहते हैं, समर्थन करते सर। इस हॉल में तो आम सहमति है, पर एक बात, इस हॉल के अंदर आम सहमति है सर। पर मैं आप पे आज अभी आज तक वाले एक सर्वे भी करवा के दिखा देंगे आपको। देश चाहता है कि ब्लैक मनी का रोल खत्म हो। सर अरविंद जी, अगर आपने अपनी बात कही है तो सुनने की भी क्षमता रखिए। एक एक बात अपने जहन में रखनी बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र कानून के राज से चलता है, अराजकता से नहीं चलता। और इसलिए अगर हम इस मुल्क में अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, इफ वी ट्राई एंड क्रिएट क्योस एंड अनार्की, वी आर नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस ऑफ ब्रॉड बेसिंग एंड स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस। दैट्स अ चार्ज दैट्स ऑफन लेवल्ड अगेंस्ट यू, दैट योर मींस आर अनार्किक एंड यू आर ट्राइंग टू डिसमेंटल द सिस्टम। व्हेन समवन मेड द पॉइंट दैट यू सेइंग डोंट प्ले इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ऑल यू आर ट्राइंग टू डू टेकिंग फॉरवर्ड व्हाट मनीष सेज इज कॉज अनार्की। सर, यही तो हमें गांधी जी ने सिखाया था। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई सरकार कानून बनाती है जो कि अन्यायपूर्ण है, जो कि गलत है, ये हर नागरिक का फर्ज है कि उस कानून को तोड़े। एंड दे शुड इनवाइट द पनिशमेंट ब्रिटिश रूलिंग। अंबेडकर सेड लेटर, अरविंद, लेट मी जस्ट कंप्लीट। अंबेडकर सेड लेटर दैट फास्ट शुड बी बैंड बिकॉज दे कॉज एनर्की। बाबा साहब अंबेडकर को उम्मीद नहीं थी कि आजादी के 60 साल के बाद भारत की ये दशा होगी। अदरवाइज बाबा साहब अंबेडकर वो स्टेटमेंट कभी ना करते। It's working. Go on. हालांकि ये डिबेट जिस दिशा में जा रहा है, मैं इसको और आगे नहीं ले जाना चाहती थी, बट आई एम टू टेम्प्टेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि आप जैसे पॉलिटिशियंस मगर पढ़ते हैं,
वैसे ही आम लोग जो ब्राइब्स देते हैं आप उनके मगर क्यों नहीं पढ़ते हैं? जो कालाधन जनता के मगर भी पढ़े ना आप, तो आप एक ही चीज के मगर आप पढ़े हुए हैं। और दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जो कहते हैं जो काले धन से ही पार्टियां बनती हैं, इलेक्शंस जीते जाते हैं और आप ये सब नहीं कर रहे हैं, तो जे आप कभी इलेक्शन जीतेंगे नहीं तो आप रिफॉर्म्स कैसे लाएंगे? तो ये जो करप्शन है इतना डीप सी, ये नहीं कि हम लोग नहीं बदलने की कोशिश करी है और हम नहीं बदलना चाहते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग और अच्छी पार्टियां भी हैं जिन्होंने सिस्टम को बदलने की कोशिश की है, लेकिन आई एम श्योर आप भी समझते हैं कि रॉट इज नॉट ओनली एट द टॉप, इट इज राइट डाउन टू द बॉटम। तो ये अकेले टॉप के ऊपर यू कीप गोइंग एट द टॉप, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिरामिड एंड गो ऑल द वे अप टू द टॉप, टू द बॉटम, टू एवरीवेयर। सो आप जो सिर्फ पॉलिटिशियंस को एक उसमें ना डालें, उसमें जो अच्छे वाले हैं उनके अच्छे काम के बारे बोले, कोई ब्यूरोक्रेट के बारे, कोई आम जनता जो जो जाके पैसे देती है, जो करप्शन को इनकरेज करती है, उनको भी तो कुछ ज्ञान अपना दे ना। ओके अरुण, आपके तीन प्रश्न हैं। एक आपने कहा कि जो रिश्वत देते हैं उनको भी पकड़ा जाना चाहिए, कौन पकड़ेगा? आप ही तो पकड़ेंगे, आप ही की तो सरकारें हैं। एक मिनट पकड़ेंगे, आप बैठे हो आप भी उनके बारे बोले ना। मैं तो कह रहा हूँ रिश्वत लेने और देने वालों दोनों को पकड़िए। हम तो कह रहे हैं हेलीकॉप्टर डील के अंदर जिसने पैसा दिया जिसने लिया दोनों को पकड़िए। 2G घोटाले के अंदर जिसने पैसा दिया लिया दोनों को आप पकड़ते ही नहीं है। दूसरी सिर्फ 2G की क्यों बात करते हैं आप? उसकी बात करें जो पुलिस वाले को पैसे खिला के अपने डॉक्टर इन लॉ को खिला देते हैं लेकिन पैसे दे देते हैं। आपसे बात कर रहे हैं तो आप कहते हो पुलिस वाले को पकड़ो, पुलिस वाले से बात कहते हैं जब प्रधानमंत्री पैसे खा रहे हैं तो हम तो बहुत छोटे लोग। अपनी डोमेस्टिक वायलेंस किया है वो कहता है उसको पकड़ो पहले, वो कहता है उसको पकड़ो पहले, पुलिस के मगर है। लेकिन सर जी आपकी सरकार है, आप तो सबको पकड़ सकते हैं, आप क्यों नहीं पकड़ते हैं? जनता भी तो पकड़ सकती है ना। आप भी तो आप हमेशा प्रधानमंत्री जी पे उंगली उठा देते हैं। मुझे भी कई लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी में बहुत पैसा खा लिए हैं, पर हम आपको इस पे आरोप नहीं लगाते हैं। आप राजनीति में नए नए आए सर, आप उंगली उठानी बड़ी आसान होती है, हमेशा याद रखना चाहिए 3 उंगली अपने तरफ होती है। सर मैं आपको कह रहा हूँ हमारी पार्टी में जितने चोर है सबको जेल डाल दीजिए, आपकी तो सरकार है, आप आपकी तो सरकार है, आप जेल क्यों नहीं डालते? हमारा सबको जालिए ना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ सर। हमारी पार्टी में जितने चोर हैं सबको जेल में डाल दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं कभी उनको प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। आप राजनीति में आए हैं, अभी पहले बार टिकट की घोषणा तो करिए दिल्ली में, हम देखेंगे कितने अच्छे लोग आप लाते हैं, कितना परिवर्तन आप करते हैं। सर ये 120 करोड़ लोगों का देश है, आरोप इसमें बच्चों को टिकट नहीं मिलेगी, अभी तक केवल बच्चों को, भाइयों को, बहनों को ही टिकट मिली है, परिवार लगता है। 120 करोड़ रुपए का देश, 543 अच्छे लोग दे सकता है सर। जिन लोगों ने उन भाइयों बहनों और बीवियों को वोट करके भेजा है, आप प्लीज उनकी इंटेलिजेंस को इतना अंडरमाइन ना करें, उनको भी 20 लोगों के बीच में से चुन के उन्होंने भेजा है, सो आप उन लोगों की इंटेलिजेंस को इतना अंडरमाइन ना करिए।